नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। डेरी ऑनसोन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कुशवाहा सभा भवन में महिला दलित कल्याण सेवा संस्थान के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वीडियो पुरुषोत्तम त्रिवेदी, महिला थाना अध्यक्ष लक्ष्मी पटेल, डेरी नगर परिषद की मुख्य पार्षद शशि कुमारी, CEO अनामिका कुमारी, जदयू नेता डॉक्टर निर्मल कुशवाहा, जिला अध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान वीडियो ने कहा कि महिलाओं के अबला समझने का समय खत्म हो चुका है। आज के दौर में वे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा रही है। CEO अनामिका कुमारी ने कहा कि आज बिहार में महिलाओं की सेवा में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। पुलिसिंग नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में अपने कार्य के बदौलत अपनी पहचान बना रही है। इसके बावजूद होने वाले अपराधी हो रही है। इसके लिए सबसे पहले शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं, लेकिन आज भी छोटे छोटे गाँव और कस्बों में महिलाएं शिक्षित नहीं है। वाली सोच के लोग अपने बच्चियों को सरकारी स्कूल खोले, सरकार के द्वारा खोले गए हैं, फिर भी पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। अगर किसी दबाव में भेजते भी हैं तो वो उसकी पूरी शिक्षा नहीं ले पाते हैं और उनकी शादी कर लेते हैं। जिससे वो महिला थाना प्रभारी लक्ष्मी पटेल ने कहा कि शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद हुई है। महिलाएं आगे आकर अपनी समस्याओं को साझा कर रही है। कानूनी तौर पर मजबूती मिली है। मुख्य पार्षद ने कहा कि आज जिस कुर्सी पर हम सभी बैठे हैं, दिख रहा है कि राजनीतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्र में हमारा प्रभाव बढ़ा है। महिलाएं केवल हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं रही, खुद निर्णय लेने में सक्षम है। मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता निर्मल कुशवाहा और जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा ने भी संबोधन किया। भारत माता को याद करते हुए हम चाहेंगे कि राष्ट्रगान बजे और यहाँ पर जो भी अतिथि बने हैं वो अपने सीट से